दोस्तों ये है 2024 के न्यू अपडेट हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0। अब 2.0 में क्या कुछ नया अपडेट आया है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक जानकारी आपको बता दूं तो बेसिक ये है कि स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 अभी आया है। उससे पहले स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक आता था। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में आपको ये इतने सारे ग्राफिक्स, इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते थे, लेकिन अभी फिलहाल इस 2.0 में आपको सब कुछ मिल रहा है जिसकी डिमांड आप लोग हीरो कंपनी से कर रहे थे। तो चलिए एक डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू करते हैं, अच्छा खासा रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको इस बाइक के बारे में डिटेल ए टू जेड पता चल जाएगा। सबसे पहले एक्सोरूम प्राइस की शुरुआत करते हैं। तो देखो इसकी एक्सोरूम प्राइस 82,911 रुपीज़ है, अगर हिंदी में कहें तो 82,911 रुपये, और ऑन रोड जाती है करीब 1,00,000 के आसपास, यानी 1,00,000 रुपये में आपको ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रंट से शुरुआत कर लेते हैं कि फ्रंट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ा जो अपडेट है, अपडेट तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ है, और जो यहाँ पे लाइट आती थी ना स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में, वो हटा दी गई है। समझ गए आप? अब हटा के क्या किया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है। देखो इस साइड में दो LED DRL आ गए हैं, तो यहाँ पे एक नया अपडेट है। और अपडेट और भी ज़्यादा अच्छा है। देखो जो स्प्लेंडर प्लस था, जब उसमें हम इग्निशन को ऑन करते थे तो यहाँ पे जो DRL था ना वो जलता नहीं था, लेकिन अभी क्या है, जैसे आप इग्निशन को ऑन करोगे तो इसके जो DRL हैं वो ऑन हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंप्लेन था लोगों का, तो कंपनी ने यहाँ पे सही किया है उस चीज़ को। जैसे इग्निशन ऑन हो वैसे ही DRL जल जाना चाहिए, तो ये अच्छा अपडेट आया है। सेकेंड अपडेट यहाँ पे देखो, LED हेडलाइट का सेटअप दिया है कंपनी ने, जहाँ पे आपको ट्विन LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट है। स्प्लेंडर प्लस में लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि LED हेडलाइट चाहिए, तो कंपनी ने भाई आपको प्रोवाइड करा दिया है LED हेडलाइट का सेटअप। उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स में चेंजेस आए हैं। देखो यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रिप्स देखने को मिलेगा, ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगा, और ये देखिए ये स्पार्किंग ब्लैक कलर है। अब यहाँ पे दो कलर कॉम्बिनेशन किया गया है, ब्लैक एंड ग्रे कलर का, लेकिन ये वाला जो कलर आप देख पा रहे होगे ना, ये स्पार्किंग ब्लैक कलर है। धूप में काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करेगी ये बाइक जब आप इसे लेके निकलोगे। टेलीस्कोपिक फोर टाइप के सस्पेंशन मिलेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो आप, तो 80/100 सेक्शन के टायर मिलेंगे, 18 इंच के आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, 130mm का ड्रम ब्रेक आगे में आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा शानदार अपडेट है। उसके बाद अगले अपडेट की बात करते हैं, अगला अपडेट आपको क्या कुछ मिलता है। तो देखो इसका फ्यूल टैंक आपको एक नया ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। हीरो का 3D लोगो है, ग्रे कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है, पूरा फ्यूल टैंक टॉप से लेके और यहाँ तक आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टी दी गई है। अब यार देखने में तो ऐसा लगता है कि बाइक को लेमिनेशन कर दिया गया है, इतनी ज़्यादा शाइनिंग कर रही है ये कलर। उसके बाद यहाँ पे ये चेंज किया गया है, ये देखो ये जो यूटिलिटी बॉक्स है पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, और यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, और यहाँ पे FI की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही होगी। तो भाई ये FI ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाएगी। इसके बाद इंजन देखो, तो इंजन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम वैसे ही इंजन मिलेगा। 97.2 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 FI E20 अपडेट के साथ में, जिसकी जो पावर है 8.02 PS की है, 8.05 Nm का आपको टॉर्क जनरेट करेगा ये बाइक। उसके बाद यहाँ पे डायमंड कट आपको यहाँ पे इसका चैचेस दिया गया है, किक स्टार्ट का ऑप्शन है, ब्रेक पैड का डिजाइन कुछ ऐसा है, ये जो फुट पैक्स हैं राइडर वाले ये भाई मिलेंगे आपको फोल्डिंग में, और ये भी आपको मिलेंगे फोल्डिंग में। 165mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में ऑफर कर रही है कंपनी। इसके बाद जो अगला अपडेट है इसके साइड पैनल पे, ये देखो सबसे बड़ा अपडेट, पहचान कैसे करोगी कि स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 है। तो यहाँ पे देखो स्प्लेंडर प्लस का 3D लोगो आ गया, एक्सटेक 2.0 का यहाँ पे बैजिंग मेंशन है, तो जिससे ये पहचान कर पाओगे कि ये बाइक स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 है। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रे कलर और यहाँ पे ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला अपडेट बहुत ज़्यादा शानदार है। अगला अपडेट क्या है, इसका जो साइलेंसर है, साइलेंसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और पहले जो मफलर आता था ना साइलेंसर का, ये क्रोम कलर वाला, ये यहाँ तक होता था, तो बाकी जो ये एग्जॉस्ट था ना वो खुला का खुला रहता था, लेकिन अब पूरा का पूरा ढका हुआ है। उसके बाद पीछे की साइड में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा, सस्पेंशन कुछ ऐसा आपको मिलेगा, I3S की बैजिंग आपको यहाँ पे मेंशन देखने को मिल जाएगी, ये पूरा पार्ट ब्लैक कलर का रखा गया है। सीट की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज किए गए हैं, और यहाँ पे देखिए तो सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, 795mm की सीट हाइट आपको देखने को मिलेगी। पीछे के टायर आपको 80/100 सेक्शन के मिलेंगे, 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगा, 130mm का आपको ड्रम ब्रेक यहाँ भी ऑफर कर रही है कंपनी।
रियर साइड की पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जो इसका रियर ग्रेब है वो थोड़ा सा छोटा किया गया है। पहले वाली जो स्प्लेंडर प्लस आती थी वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग आपको ग्रेब रेल देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छोटा किया गया है, तो ये भी अपडेट किया गया है पूरी तरीके से। अब देखो इसके दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं, तो इंडिकेटर तो चेंज हो ही गए हैं भाई। यहाँ पे देखो इंडिकेटर चेंज है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने हजार्ड का बटन दिया है, तो ये एक बढ़िया अपडेट है। ये जो लाइट है इसको भी कंपनी ने अपडेट किया है, यहाँ पे आपको एस शेप की लाइट देखने को मिलेगी। मैं जला के दिखाता हूँ, ये देखो इसकी भी शेप पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी है, इसको भी कंपनी ने अपडेट किया है। जो रियर वाला पोर्शन है, जो रियर वाला मेडिगार्ड है, उसको भी कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, तो ये भी एक नया अपडेट इस बाइक में आ गया है। अब देखो अगले अपडेट की बात करते हैं, तो इसका साड़ी गार्ड यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये भी कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। लेडी फुटरेस्ट का ऑप्शन है और ये आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लोज चेन सेट कवर है जिससे धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाएगी, चेन सेट की जो लाइफ है वो थोड़ी सी आपको लंबी देखने को मिलेगी। फोर स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों आपको इस बाइक में कंपनी ऑफर कर रही है। फाइनली सबसे बड़ा जो अपडेट है इसके हैंडल बार में है, ये देखो थोड़ा सा वाइड हैंडल बार आपको मिलेगा, पहले की अपेक्षा अगर देखोगे हल्का सा वाइड है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये बटन पूरी तरीके से भाई चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे पावर स्टार्ट का बटन ये भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कंपनी ने। उसके बाद यहाँ पे हजार्ड का बटन दिया है, तो फाइनली इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लेते हैं कि इस बाइक में इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको कैसा मिल रहा है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑन करने के लिए सबसे पहले तो की को ऑन करना पड़ेगा, जैसे ही आपने की को ऑन किया तो यहाँ पे टॉप स्पीड बताएगा भाई 140 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन इतनी नहीं जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद साइड स्टैंड की लाइट, इंजन की चेक लाइट, इंडिकेटर की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, फ्यूल की वार्निंग, ट्रिप मीटर वगैरह, उसके बाद कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, इसके बाद रियल टाइम माइलेज, ये चीज़ आपको बताएगी। यूएसबी पोर्ट केबल मिल रहा है, ये है। बाकी फ्यूल टैंक का टॉप डिजाइन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो भाई बाइक में ये सारे अपडेट हीरो मोटोकॉर्प ने किए हैं और प्राइजिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई है भाई, 4 से 5 हज़ार रुपये के अंतर है, और 4 से 5 हज़ार रुपये में आप बहुत सारे फीचर्स का मजा ले सकते हो, जैसे कि LED हेडलाइट हो गई, उसके बाद आपको नए ग्राफिक्स मिल रहे हैं और कई सारे अपडेट मिल रहे हैं, हजार्ड का बटन मिल रहा है, पासिंग की लाइट मिल रही है, ये कई सारे अपडेट इस बाइक में कंपनी ने प्रोवाइड करा दिया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और खास कर ये बाइक आपको कैसी लगी, क्योंकि यार हीरो की जो बाइक है स्प्लेंडर मानी जानी बाइक है और हीरो पहचानी जाती है स्प्लेंडर प्लस से, तो कैसी लगी आपको ये बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपको और भी ऐसे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।